ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव हो गए, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। महान क्रिकेटर सचिन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो घर पर ही क्वारंटीन है, खुद उन्होंने जानकारी दी है ट्वीट करके। हालांकि आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर को तो पॉजिटिव हैं, लेकिन उनके परिवार के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है, ये रात की बात। लेकिन सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव हो गए, सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव है। एक तरफ देश में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है तो लोग भी लापरवाह दिख रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा बुरा हाल लखनऊ का, यहां पर कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। गाजियाबाद में क्या तस्वीर है जानते हैं हमारे संवाददाता शक्ति सिंह से, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शक्ति, गाजियाबाद की स्थिति बताइए कि आंकड़े कितने आए हैं और प्रशासन की क्या सख्ती दिख रही है, क्या लोग खुद अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? देखिए, अगर गाजियाबाद के कोरोना की आंकड़ों की बात करें तो 54 आंकड़े आज ही आए हैं, काफी बड़ी संख्या मानी जा रही है। काफी दिनों बाद ऐसा आंकड़ा आया कि 54 एक साथ ही बढ़ गए हैं। वहीं हम गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टैंड पर इस समय मौजूद हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो यात्री हैं ये होली पे अपने अपने घर जाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पर आप यात्रियों को देख सकते हैं। ये वही कौशाम्बी बस स्टैंड है जो पिछले साल सुर्खियों में रहा था लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी, जो प्रवासियों की भीड़ थी, वो सबसे ज़्यादा इसी कौशाम्बी बस स्टैंड पे देखी गई थी कोरोना काल के अंदर। अभी भी कोरोना काल चल रहा है और एक बार फिर कोरोना की जो लहर है वह तेजी से दौड़ने लगी है। वहीं लगातार अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग हमें यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। वैसे ये वो लोग हैं जो होली के पर्व पर अपने घर जाना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें, देखिए बस है और हम बस के अंदर चलने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आपका मास्क कहाँ है? मास्क है राज सर जेब में, लगाना चाहिए ना। हाँ, लगाना चाहिए ना। तो कोरोना एक बार फिर आने लगा इसलिए बता रहे हैं हम, ये आपकी सुरक्षा के लिए। लगा के पीना है क्या? अभी लेके आए हैं, दो मिनट पहले हाथ पकड़ के देखो ठंडा है पानी की वो है। और लोगों की बात करें तो और लोगों को दिखाते हैं आपको कि देखिए, अगर भीड़, अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो वो हमें यहाँ नजर नहीं आ रही है। और लगातार ये वही बस स्टैंड हम एक बार फिर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई सुर्खियों में रहा था तो वह कौशाम्बी बस स्टैंड रहा था। हालांकि जो यात्री हैं यहाँ पर वह काफी परेशानी में हैं। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जो बस में बैठे यात्री हैं उनका रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है।